अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी YouTube फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और वेलकम करती हूँ आप सबका अपने एक और नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में मैं जा रही हूँ, जैसे कि आपको पता चल ही गया है, कि एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट में क्यों जा रही थी, अपनी बड़ी सिस्टर है मेरी, वो आ रही थी, उनको रिसीव करने के लिए मैं और अब्बू गए थे एयरपोर्ट, क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी रात को काफ़ी लेट नाइट। तो उनके हस्बैंड फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आ रहे थे, और साथ में थी मेरी भांजी। और लास्ट टाइम उससे मुलाकात तो हुई थी, लेकिन जो हालात थे उस टाइम, क्योंकि अम्मी की डेथ हुई थी तो इतना ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे, तो वो अपने बाबा के साथ आ रही थी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान घूमने फिरने के लिए। और ये है तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम, मैं और मेरी सिस्टर जो हैं, जो बाहर से आई थी, उनके साथ मैं जा रही थी नाश्ता लेने के लिए। और हम लोग अपनी पुरानी की जो यादें थी यहाँ स्कूल जाने के टाइम की, तो वो हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये वो गलियाँ जो कचरा कितना गिरा हुआ है, बाजी उड़ा ले, मैं वीडियो बनावा। और हम लोग रिक्शे में बैठ के सुबह 6 बजे जा रहे हैं नाश्ता लेने। वो होते हैं ना जिनको पता भी नहीं होता उनकी मंजिल कहाँ पे, सेम वो ही हमारे साथ है, हमें पता ही नहीं हमने जाना था हमारे, बस हम रिक्शे में बैठ गए और गूगल पे सर्च किया था। गूगल पे सर्च करके एक हमें शॉप मिल गई है नाश्ते की, जहाँ से नाश्ता मिलता है, तो वहाँ से नाश्ता लेने जा रहे हैं। हाँ, उसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है, तो आप लोगों को भी लेके चलते हैं और आपको भी दिखाती हूँ। और ये हम लोग अपने जो मंजिल मकसूद थे वहाँ पे पहुँच गए थे। और यहाँ के जो ये भोंग पाए थे, नहायत ही आवाज़दार किस्म के भोंग पाए थे, और इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आ रही थी गूगल के ऊपर, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैंने तो मतलब 1 से 2 जो बाइट थे वो टेस्ट किए थे, और नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैं तो घर जाके सो गई थी। लेकिन मैंने जो थे सिस्टर को नाश्ता दिया और उनके हस्बैंड को नाश्ता दिया, साथ उनको मैंने फिर जो लस्सी थी नमकीन वो बना दी। और यहाँ पे ये कुछ सजेस्ट कर रहे थे कि अंदरूने लाहौर में भी हमारी ये शॉप्स हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये क्या बातें कर रहे थे अंदरून में। अंदरून आप क्या सजेस्ट करते हैं, एक तो दफ़ा हम आपके पास नाश्ता करें, इनका यूट्यूब चैनल है, चैनल स्टार्ट ही है, थोड़े से तो नहीं आते आप, बाकी आप करेंगे, आज एक होगा कल दो भी पड़ेगा। देख तो रही थी वो सही है, मेरे तो मियां इजाजत नहीं देते, वरना मैं बड़ी खुश हूँ। और ये है चने, मेरा क्रीम चाचा, और साथ है कुलचे तिल वाले। और यहाँ सुबह नाश्ता करने के बाद सबके सब जो थे वो सो गए थे, और तकरीबन 2:30-3 बजे उठ के फिर हम लोग, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो हम लोग अम्मी से मिलने के लिए कब्रिस्तान आ गए थे। और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं सके थे, क्योंकि हमारा इरादा था घंटा डेढ़ रुकने का, लेकिन रुक नहीं सके क्योंकि एकदम बहुत तेज़ आंधी जो थी वो चलनी शुरू हो गई थी। तो हम लोग तकरीबन 15 से 20 मिनट बैठे थे और वापस जो थे वो घर आ गए थे। और अल्लाह का शुक्र है कि जो मौसम था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, जब कब्रिस्तान से निकले थे तो बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। Go down.
जी क्या है? आ आ आ आती जी आता नो आता मा। और ये है मेरे चूजे और इनको भी मैं आते हुए साथ ही ले आई थी क्योंकि घर पे ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी दिन स्टे करना था कि जब तक सिस्टर ने यहाँ रहना था तो मुझे भी यहीं पे ही रहना था, तो इस वजह से मैं ले आई क्योंकि ये छोटी बोबो भी मैंने कहा कि इनके साथ खेल लेगी, थोड़ा इंजॉय कर लेगी क्योंकि ये इनको अपने पास बुलाती है और इनको हाथ लगाने की कोशिश भी करती है। और इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आगे बहुत मज़े मज़े के व्लॉग आने वाले हैं। इसके साथ ही आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।